व्हाई योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इग्नोर यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जोगल राजा है और मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ। तो लोगों के रिलेशन के प्रॉब्लम के साथ मैं काफी जुड़ा हुआ हूँ एंड मैं जब लोगों से ऐसी चीजें डिस्कस करता हूँ कि मतलब आप क्या करते हो कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है, तो लोग कहते हैं कि नहीं, स्टार्टिंग में सारी चीजें अच्छी होती है, पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड क्यों मुझे इग्नोर करती है, पता नहीं अचानक से मेरा बॉयफ्रेंड क्यों मुझे इग्नोर करने लगा। हालांकि वो बहुत ही अच्छा मेरे साथ जुड़ा हुआ था, काफी टाइम से हमारी चीजें बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अचानक से वो मुझे इग्नोर कर रहा है। पर जैसे मैंने लोगों के रिलेशन को ऑब्जर्व किया है एंड मैंने ये चीजें सीखी है कि नहीं, कभी भी रिलेशनशिप में कुछ चीजें अचानक से नहीं होती, हालांकि आपका ध्यान नहीं होता, पर वो चीजें कहीं ना कहीं आपके गलत एफर्ट रिलेशन में, क्योंकि आप अपने पार्टनर के लिए इतने ईमानदार होते हो, ऑनेस्ट होते हो एंड आपको पता भी नहीं होता कि आप किसी गलतियां कर रहे हो जिनके कारण आगे जाके आपका पार्टनर, वो आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपको इग्नोर करने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से वो चार रीजन है जिनके कारण मोस्ट ऑफ लोगों को जो बहुत ज्यादा प्यार करता है, जो वैल्यू करता है, वो इंसान आगे जाके इग्नोर करने लगता है। सबसे पहला और बहुत बड़ा रीजन है कि आप अपने पार्टनर के लिए ना सारी चीजों को छोड़ देते हैं। छोड़ने का मतलब क्या है, जब तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा पार्टनर नहीं था तो तुम अपनी एक सोशल लाइफ है, दोस्तों के साथ एक्टिव थे, तुम्हारी जो भी स्टडी थी, करियर था, उसमें तुम एक एनर्जी अपनी लगा रहे थे, टाइम एफर्ट लगा रहे थे, फैमिली के साथ बहुत कुछ तुम्हारी लाइफ में था, यानी ये सारी चीजें होती ना, तुम्हें ये समझना चाहिए इन सारी चीजों से किसी भी इंसान के माइंड में ना तुम्हारी एक आइडेंटिटी बनती है, समझ रहे हो? ठीक है, तुम अपनी लाइफ में खुश हो, तुम अपने करियर में फोकस हो, तुम काम कर रहे हो, लोगों के साथ में हो, तो एक तरह से वहां पे तुम्हारी मार्केटिंग भी होती है एंड लोगों के माइंड में आइडेंटिटी भी बनती है कि हाँ ये लड़की, हाँ ये लड़का, इसमें ये इसकी लाइफ ऐसी है। दोस्तों यही चीज है जो सामने वाले को आपके ओर अट्रैक्ट करती है, उसके माइंड में आपकी आइडेंटिटी बनाती है। एंड आपने क्या किया, और उनके साथ मतलब बात करने में बहुत मजा आ रहा है, हम उनको भी टाइम दे रहे हैं, उनके साथ मिलने के, दोस्त को हमने इग्नोर कर दिया, फ्रेंड्स को हमने इग्नोर कर दिया, काम में इतना मन नहीं लगता, क्योंकि मजा तो यही आ रहा है। एंड इंसान क्या करेगा, जहां पर उसको मजा आ रहा है वही चीज करेगा। सबसे पहली चीज कि तुम ज्यादा टाइम दे रहे हो, उसको ज्यादा वो चीज मिल रही जिसमें उनका इंटरेस्ट है, तो उनका इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है एंड तुमने सारी चीज कॉम्प्रोमाइज की। तो जो मैंने कहा ना कि पहले तुम्हारी आइडेंटिटी बन रही थी, अब वो आइडेंटिटी बिगड़ रही है क्योंकि तुमने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया है। दूसरी बहुत बड़ी गलती, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि तुम उनके लिए हमेशा अवेलेबल हो। एक हमेशा अवेलेबल होना भी एक रीजन है और तुम उनके लिए आसान हो, वो भी एक बड़ा रीजन है। मान लो कि आपको प्यास लगी, आपके सामने पानी है एंड मान लो कि आपको प्यास लगी और पानी तक पहुंचने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ा, थोड़ा सा दूर जाना पड़ा चल के भी, तो भी आप अपने साथ जो पानी लेकर आओगे ना उसको संभाल के रखोगे, इसे फेंक नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि यार वो इसलिए अवेलेबल नहीं है, वो समझ में आता है। और हम जिनसे प्यार करते हैं हम उसको थोड़ी सी तकलीफ देना नहीं चाहते, वो कॉल करेंगे तो हम मतलब दिल से खुश होते उठा लेते, ठीक है, कि मतलब तुझे वेट नहीं करवा सकते यार, और यही तुम्हारी गलती है कि तुम उसे वेट नहीं करवाते। तुम्हें हमेशा अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। हम कहते हैं कि वो हमें याद नहीं करता, हाँ जी याद कैसे करेगा, वो इग्नोर ही करेगा ना, हम उनसे दूर जाएगा तो वो मिस करेगा, हम उसकी गोद में बैठे रहेंगे और हम बात करते हैं कि वो हमें इग्नोर कर रहा है, इग्नोर ही करेगा ना, क्योंकि जिस इंसान को जो भी चीज चाहे, जितनी भी भूख उसकी उसमें होगी, उसको लगातार मिलती रहे, लगातार मिलती रहे, तो फिर वो भूख एक दिन भूख नहीं रहेगी, वो एक उबन बन जाएगी। दैट्स व्हाई कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। तीसरा बड़ा रीजन कि आप ना खुद से ज्यादा अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हो, पार्टनर की केयर करते हो। देखो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी इंसान आपको, आप जैसे हो ना वैसे वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, वैसे आपको ट्रीट नहीं करेगा, वो हमेशा आपको ट्रीट करता है उनके माइंड में जो आपकी आइडेंटिटी बनी है उस हिसाब से, और आपकी आइडेंटिटी आपकी हरकतों से, आपके बिहेवियर से बनती है एंड खास करके आप उनके सामने कैसे रिएक्ट कर रहे हो, उनके कैसे ट्रीट कर रहे हो। एंड यहाँ पर आप क्या ट्रीट कर रहे हो, आप उनको ये दिखा रहे हो कि तुम ज्यादा सुपीरियर हो मेरे से, मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं। कैसे कैसे का मतलब ये होता है कि यार तुम ये दिखा रहे हो कि हमसे भी ज्यादा हम तुम्हारे बारे में सोचते हैं, हम खुद के बारे में इतनी केयर नहीं करते, हमारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचते हैं, हम अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचते, हम तुम्हारी खुशियों के बारे में। एज ए रिलेशनशिप कोच मैंने देखा है कि लोग ऐसा करते हैं, जो उनका ड्रीम होता है कि यार ये फोन मुझे लाइफ में खरीदना, ये ऐसी चीज मुझे खरीदना, वो खुद ना अगर उसका पार्टनर बोलेगा या उनके खुश करने के चक्कर में उनके लिए खरीदेगा, लेकिन अपनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके। अब ये सारी चीजें करके तुम्हारे पार्टनर के माइंड में तुम क्या आइडेंटिटी बना रहे हो तुम्हें पता है? तुम ये बता रहे हो कि यार तुम कुछ नहीं हो, सब कुछ वही है,
एक बात सोचना कि जिन लोगों के बारे में तुम ये सोचते हो कि वो तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, तो तुम गौर करके सोचो, तुम उन लोगों को अहमियत नहीं दे रहे हो, तुम उन लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते, तुम वापस ऐसे लोगों से बात करना, दोस्ती करना या रिलेशन बनाना पसंद करते हो जिनके बारे में तुम सोचते हो कि यार ये कहीं ना कहीं मेरे से बेटर है, ठीक है। और ये चीज होती है, तुमने ऐसी आइडेंटिटी उनके माइंड में बनाई कि भाई हम कुछ नहीं है, तो दैट्स व्हाई वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। चौथा बड़ा रीजन तुम्हारा पार्टनर तुम्हें क्यों इग्नोर कर रहा है, एंड ये तो बहुत बड़ी बात है कि जब तुम ऐसी गलती करते कि भाई हम ना लाइफ में तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, बात बात पे आप उनको ये कहते हो कि यार तुम मुझे छोड़ के मत जाना, तुम ये बता रहे हो तो जाहिर सी बात है कि तुम इस चीज से भी डरते हो ना, ठीक है, कि वो तुम्हें छोड़ के ना जाए। तो तुमने ये तो ऐसे ही बिन बताए कह दिया कि भाई हम तो छोड़ के जा ही नहीं पाते, ठीक है, हम तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाते, हम तो ये टेंशन लेकर बैठे कि तुम हमें छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो तुमने क्या किया, एक गारंटी दे दी कि हम तुम्हारे साथ लाइफ टाइम है, यानी कि तुमने ना मुफ्त में उसको लाइफ टाइम वाला सब्सक्रिप्शन दे दिया अपने प्यार का, अपने केयर का, कि मैं कुछ करूं ना करूं ये बंदा ये बंदी हमेशा मेरे लिए केयर करती रहेगी, मुझे प्यार करे। दुनिया में जब आपके पार्टनर को ये बात पता चल जाती है ना, मैंने बहुत सारे लोगों के रिलेशन देखा है, सीधी सी बात है कि वो आप में एफर्ट करना बंद कर देते हैं जब सिचुएशन आप ऐसे प्रूव कर देते हो कि हम तुम्हें छोड़ के कभी जा ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे आपके पार्टनर को पता होता है कि आप उनको बहुत प्यार करते हो, आप हमेशा उनके बारे में टेंशन लेते हो, उनके बारे में सोचते रहते हो, तो भी थोड़ी सी ये चीज होनी ही जाए कि लाइक उनको भी लगना चाहिए कि अगर मैंने एफर्ट नहीं किया, मैं एक्टिव नहीं रहा रिलेशन में, तो यार मतलब ऐसा नहीं कि वो मेरे बिना रह नहीं पाएंगे या मुझे छोड़ देंगे या उसे मेरी नीड है। तो ये चार ऐसे बड़े रीजन है। सबसे पहले रीजन कि तुम अपने पार्टनर के लिए सब कुछ छोड़ देते हो, दूसरी चीज कि तुम हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हो, तीसरी चीज कि तुम अपने पार्टनर को अपने से ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनकी केयर करते हो, चौथी चीज तुमको ये प्रूव करते हो कि हम कभी तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे। दोस्तों अगर आप रिलेशनशिप की साइकोलॉजी को पूरी तरह से जानना या सीखना चाहते हो तो मेरी लिखी हुई साइकोलॉजी ऑफ रिलेशन ईबुक को आप जरूर डाउनलोड करिए, जरूर से पढ़िए। उस बुक को डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, और ऐसे वीडियो और फ्री में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।